हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताऊंगा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80 किस तरह निकलना है और लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस 80 एग्जिस्ट होता है या नहीं। सो, ये क्वेश्चन मुंबई यूनिवर्सिटी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो दो तीन बार रिपीट भी हुआ है। ओके, सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 80, सो हमारा एफ ऑफ टी हो जाएगा साइन ए टी अपॉन टी। ओके, इसके लिए मैंने बताया था, अब डिवाइड बाई टी होने की वजह से इफेक्ट ऑफ डिवीजन बाई टी इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है और बाकी साइन 80 का सिंपल लैप्लस निकालना है। सो, सबसे पहले हम लोग लैप्लस ऑफ साइन 80 निकालेंगे। ओके, लैप्लस ऑफ साइन 80 जो है हमारा, इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं साइन 80 इज इक्वल टू ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए की जगह पे हमारा एज इट इज़ फॉर्मूला ही आ जाएगा क्योंकि ए की जगह पे रिप्लेस हो रहा है ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब हम लोग को निकालना है लैप्लस ऑफ साइन 80 अपॉन टी, दैट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। अब एफ ऑफ एस किसका, यानी साइन 80 का एफ ऑफ एस, जो कि ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एस। अब ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री का जो इंटीग्रेशन है उसका एक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स बाई ए। ये एक फॉर्मूला है टेन इनवर्स एक्स के जिसका सॉल्यूशन टेन इनवर्स एक्स है, इंटीग्रेशन ऑफ ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको लर्न करना है। सो, ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिसका आंसर भी हम एज इट इज़ लाइक अ फॉर्मूला ही है, जिसका आंसर आएगा टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। फ्रेंड्स, इस फॉर्मूले की इंपॉर्टेंट नोटेशन ये है कि आपको नोटिस करना है, यानी दूसरा टर्म एक्स स्क्वायर के साथ में दूसरा टर्म जो ए स्क्वायर है उसका ही सिंगल पावर ए टॉप में होना चाहिए, वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अगर आपको इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो। ओके, अब इसकी लिमिट्स होंगी टेन इनवर्स इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम एस टू इन्फिनिटी। ओके, सो हम लोग जब इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं टेन इनवर्स इन्फिनिटी अपॉन ए माइनस टेन इनवर्स एस की जगह पे हम लोग को एस ही सब्स्टिट्यूट करना है एस बाई ए। ओके, जब टेन इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर, जो कि मैं बताया था पिछले प्रॉब्लम में भी बताया हूँ मैंने, टेन इनवर्स इन्फिनिटी का आंसर है पाई बाई टू माइनस एज इट इज टेन इनवर्स एस बाई ए। अब पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स एस बाई ए, इसके लिए हम लोग जो हमारा पाई बाई टू का फॉर्मूला है पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स जाकि कॉट इनवर्स एस बाई ए, उसी को हम लोग अप्लाई करेंगे, यानी कि ये कन्वर्जेंस है विद रिस्पेक्ट टू 90 डिग्रीज, जो कि हमारा सॉल्यूशन है ऑफ लैप्लस ऑफ साइन 80। नाउ अब हम लोग को चेक करना है, इसने पूछा है कि डज लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस 80 एग्जिस्ट होता है या नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, लैप्लस ऑफ कॉस 80 निकालेंगे अपॉन टी। सबसे पहले लैप्लस ऑफ कॉस 80 दैट विल बी इक्वल्स टू सेम लाइक अ फॉर्मूला, कॉस 80 का फॉर्मूला आ जाएगा एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और फिर हम लोग लैप्लस ऑफ कॉस 80 अपॉन टी निकालेंगे, जिसके लिए हम लोग को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस टू इन्फिनिटी। और किसको इंटीग्रेट करेंगे, तो फाई ऑफ एस कौन है हमारा, तो कॉस 80 का जो लैप्लस है जो कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी ऑफ एस। ओके, और जब इसका इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा कि एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका कोई हमारे पास सादा फार्मूला नहीं है, हम लोग इसको जो बाकी टाइप के लॉग जब इसको इंटीग्रेट करें तो लॉग का फार्मूला आ रहा था उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, एस को एज इट इज लिख देते हैं वन अपॉन एक्स, यानी कि समझ के हम लोग इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं, तो ये आ जाता है लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये फॉर्मूला जब भी अप्लीकेबल होगा, जब यहाँ पे एस हो या फिर एस स्क्वायर हो, ओके, कोई और टर्म होगी तो ये फार्मूला वैलिड नहीं होगा। जी, पिछली प्रॉब्लम से अपने कॉमन नोटिस किया होगा कि ये टर्म्स पे हम लोग लॉग एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को यूज़ कर रहे हैं। अब डिवाइड बाय डेरिवेटिव यूज़ करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एस स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका डेरिवेटिव है एस स्क्वायर का आ जाएगा टू एस प्लस ए स्क्वायर का आ जाएगा ज़ीरो फ्रॉम लिमिट एस टू इन्फिनिटी, दैट विल बी इक्वल्स टू ये एस और ये एस कट हो जाएगा, हमको मिलेगा वन अपॉन टू ब्रैकेट लॉग, ये टू मैंने ब्रैकेट के बाहर ले लिया है, एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, जब हम लोग एस की जगह पे मैक्सिमम लिमिट, हम लोग लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे,
अब हम लोग क्या नोटिस कर सकते हैं, जब हम लोग इन्फिनिटी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, यानी कि एस टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं, ओके, एस की वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। ये आंसर आ जाएगा इन्फिनिटी, यानी कि लैपलेस डज नॉट एग्जिस्ट, जो कि इसका सॉल्यूशन है। थैंक यू फॉर फ्रेंड्स वॉचिंग द वीडियो।